Hello India, welcome to Indian AI production. Computer vision using deep learning, beginner to professional, hands-on Python course in Hindi ke TensorFlow tutorial 2.0 mein TensorFlow math module mein aaj hum study karne wale hain TensorFlow min-max function ke baare mein. To chalo practical ko start karte hain. To jaise ki humne last tutorial mein dekha tha ki how to get a maximum value from multiple tensors in a TensorFlow. तो यहां पर हमने tf.maximum फंक्शन का इस्तेमाल किया था और यहां पर जो हमने टास्क परफॉर्म की थी वही टास्क आज हम आज के ट्यूटोरियल में करने वाले हैं. बस यहां पर हमारा फंक्शन रहेगा मिनिमम फंक्शन. तो जैसे मैक्सिमम फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देता था उसी तरीके से मिनिमम फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देगा. तो चलो यार जानते हैं मिनिमम फंक्शन किस तरीके से काम करता है. तो आज का हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू गेट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम टेंसर्स इन अ टेंसरफ्लो. तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए टेंसर्स में से या लिस्ट में से टपल में से यूजिंग टेंसरफ्लो फंक्शन. तो यहां पर हमारे पास फंक्शन का नाम है tf.minimum जो हमने प्रीवियस यूज किया था tf.maximum, राइट. तो यहां पर ये भी काम सेम करेगा एज कंपेयर टू मैक्सिमम फंक्शन. बस यहां पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेंगे. तो ये क्या करेगा, रिटर्न द मिनिमम वैल्यू बाय कंपेयरिंग x एंड y. तो हमारे पास दो वेरिएबल रहेंगे, उनको ये कंपेयर करके हमें एलिमेंट वाइज कंपेयरिंग करेगा. ध्यान रखना है एलिमेंट वाइज कंपेयर करेगा दो वेरिएबल में से जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसकी, और उसके बाद हमें मिनिमम वैल्यू वो हमें देगा. तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इट वर्क विद लिस्ट टपल स्केलर एंड नंपाय अरे, इनके साथ ये काम करता है. इसी के साथ जो टेंसर फ्लो के जो वेरिएबल है कॉन्स्टेंट प्लेस होल्डर स्पार्स मैट्रिक, तो ये भी टेंसर के साथ काम करता है. और यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, मतलब टेंसर विथ लिस्ट टेंसर विथ टपल या नंपाय अरे विथ लिस्ट टपल. तो ये भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके भी आप मिनिमम वैल्यू हासिल कर सकते हो. तो यहाँ पर एकदम सिंपल सिंटैक्स है. सिंटैक्स में क्या है, टी एफ डॉट मिनिमम ये फंक्शन आपको लेना है और उसको आप तीन पैरामीटर पास कर सकते हो. एक है एक्स वेरिएबल एंड दूसरा वाई वेरिएबल, और एट द एंड में आप दे सकते हो नेम. ये ऑपरेशनल आर्गुमेंट है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन रहते, मैक्सिमम तौर की हम इसका इस्तेमाल नहीं करते. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हम इस एक्स वेरिएबल में डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए. तो यहाँ पर आप दे सकते हो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा सेट दे सकते हो. मैक्सिमम जो भी हम यूज करते हैं वो सारा का सारा ये अलाउ करता है, और जो एक्स का डेटा टाइप है वही आपको वाई का भी देना पड़ेगा, राइट. एट द एंड में हमें क्या करता है, ये रिटर्न करेंगे हमें टेंसर, जो एक्स का शेप होगा वही टेंसर हमें ये रिटर्न करेगा. तो चलो सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं टेंसर फ्लो एंड नंपाई को, और उसके बाद अब आपको बताना चाहूंगा कि हम अभी क्या करेंगे, हम गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्केलर. तो जैसे कि हमारे पास वैल्यू ए है एंड वैल्यू बी है 10 एंड 20, तो इन दोनों में से ऑब्वियसली हम इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और इनको हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे. ए इज ग्रेटर देन बी तो हमें फॉल्स मिलेंगी, और ए इज लेस देन बी तो हमें वैल्यू ट्रू मिलेंगे. हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, राइट, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, टी एफ डॉट मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल दे देंगे. तो ये हमें क्या करेंगे, ये हमें मिनिमम वैल्यू निकल के दे देगा. देख सकते हो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या मिलेंगे, 10. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको एक्सेस करने, तो आप क्या करते हो, ये फंक्शन का नाम डॉट आपको लिखना है numpy, एज सिंपल जो हम पहले भी कर चुके हैं. तो इस तरीके से आप numpy की वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो. तो सेम टेक्निक हम आगे फॉलो करते हैं. तो यहाँ पर अभी हमारे पास दो लिस्ट है, और दो लिस्ट में से हम क्या करेंगे, अभी मिनिमम वैल्यू को लेंगे. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मिनिमम वैल्यू हमें कैसे मिलेंगी, लिस्ट का पहला आइटम और उसके बाद दूसरे लिस्ट का पहला आइटम, इन दोनों में कंपैरिजन होगा, और उन दोनों में कंपैरिजन होने के बाद जो वैल्यू मिनिमम रहेंगी वही वैल्यू हमें मिलेंगे. तो इसी को बोलते हैं हम एलिमेंट वाइज कंपैरिजन. सेम यहाँ पर दो कंपेयर विथ 6 तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेंगे 2, 3 कंपेयर विथ 7 हमें वैल्यू मिलेंगे 3, और उसके बाद 4 कंपेयर विथ 8 हमें मिनिमम वैल्यू मिलेंगे 4. तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो हमने बोला था वही हमें वैल्यू मिल चुके हैं. इसी तरीके से मान लो आपके पास जो सेकंड लिस्ट है उसमें सिंगल आइटम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो. तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, 1 कंपेयर विथ 5, 2 कंपेयर विथ 5, 3 कंपेयर विथ 5 एंड 4 कंपेयर विथ 5. तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, 1, 2, 3, 4 ही मिलेंगी. तो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हो 1, 2, 3, 4 मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू 5. नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई टपल के बारे में. यहाँ पर हम टपल का इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमने लॉजिक आगे यूज किया था लिस्ट में सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है, हमें यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू मिल जाएंगे. नेक्स्ट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू विथ लिस्ट और टपल स्केलर जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो. तो यहाँ पर आप स्केलर के साथ कंपेरिजन करेंगे, जैसे हमने पहले यहाँ पर लिस्ट के साथ ही कंपेरिजन किया था, बट सेकंड लिस्ट में हमारे पास एक ही एलिमेंट था. तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, स्केलर है, तो सेम यहाँ पर कंपेरिजन होगा एलिमेंट वाइज, तो हमें सेम वैल्यू मिलेंगी 1, 2, 3, 4 वैल्यू मिलेंगे, राइट. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई हमारे पास मान लो हमारे पास दोनों में से जो एक लिस्ट है उसमें दो आइटम अवेलेबल है, या दोनों में या हमारे पास टपल है उन दोनों में हमारे पास दोनों में से एक में दो एलिमेंट है, तो क्या ये कंपैरिजन करेगा,
नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें एरर मिलेगा एज यूजुअल, जो हमने प्रीवियस में भी देखा था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गेट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ टू नंपाई अरे। सो जैसे हमने लिस्ट के साथ कंपैरिजन किया था, सेम यहाँ पर नंपाई अरे के साथ भी कंपैरिजन होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ नंपाई अरे विद स्केलर, सेम जो हमने लिस्ट के साथ किया था, यहाँ पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होने वाला है, बस यहाँ पर हमारे पास नंपाई अरे रहेगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि भाई हम यहाँ पर नंपाई अरे देंगे दूसरा वाला और उसमें एक सिंगल आइटम रहेगा, तो सेम ये भी काम करेगा, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। बट ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड नंपाई अरे उसका शेप है, वो शेप हमारे पास टू डायमेंशन है और पहले का क्या है, वन डायमेंशन है। तो हमें यहाँ पर डायमेंशन कौन सा मिलेगा, हमें टू डायमेंशन आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टू डायमेंशन आउटपुट है और इसको आप नंपाई के फॉर्मेट में आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा, ये वैल्यू लूंगा डॉट नंपाई, राइट नम पाई, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हम सॉरी नम पाई स्पेलिंग नम पाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टू डायमेंशन अरे मिल चुका है। आप इसकी डायमेंशन चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिखो डॉट एन डीम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी डायमेंशन भी हमें टू मिल चुकी है। तो इस तरीके से आप नम पाई अरे के साथ काम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेंसर फ्लो के टेंसर्स के बारे में। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कॉन्स्टेंट टेंसर है, तो सेम जैसे हमने लिस्ट के साथ नम पाई के साथ जो कंपेरिजन किया था, यहाँ पर भी सेम लॉजिक कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि एट द एंड में हमें टेंसर ही मिलने वाला है। आप उसको कुछ भी दो आउटपुट हमें टेंसर मिलेगा। सेम यहाँ पर कांस्टेंट विद स्केलर के साथ आपको सेम आउटपुट मिलेगा जो हमने प्रीवियस देखा है, उसी के साथ वेरिएबल एज सिंपल जो सेम है वही हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा कंपेरिजन करके। नेक्स्ट वेरिएबल विद स्केलर, सेम हमें आउटपुट मिलेगा जो हमने प्रीवियस देखा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई हम मिनिमम वैल्यू हमें लेनी है एलिमेंट वाइज कंपेरिजन करके, यूजिंग टेंसर फ्लो डॉट मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करके, राइट तो यहाँ पर ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, जो हमने प्रीवियस देखा था वही यहाँ पर हुआ है, बस फंक्शन का नाम यहाँ पर चेंज हुआ है और उसके बाद फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमें चेंज हुआ है, राइट तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई हमारे पास दो वेरिएबल है, उनमें से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बेसिकली हमें मिनिमम वैल्यू ही चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेंसर फ्लो का मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फंक्शन कितने डेटा टाइप के लिए काम करता है, जैसे कि ये स्केलर के लिए काम करेगा, उसके बाद ये लिस्ट के लिए काम करेगा, उसके बाद ये टपल के लिए भी काम करेगा, उसके बाद टपल विथ लिस्ट, लिस्ट विथ टपल, टपल विथ स्केलर, इसके लिए भी काम करेगा। और यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये कंडीशन, मान लो दोनों वेरिएबल में से, दोनों लिस्ट में से एक लिस्ट में मोर देन टू एलिमेंट्स है और दूसरे इसमें इक्वल टू एलिमेंट्स है, तो उस कंडीशन में कंपेरिजन नहीं होता एलिमेंट वाइज और आपको ये एरर देगा, राइट। नेक्स्ट हमने नंपाई अरे में से मिनिमम वैल्यू निकाली, नेक्स्ट हमने नंपाई अरे विथ स्केलर देखा, नेक्स्ट हमने नंपाई अरे विथ टू डायमेंशन नंपाई अरे विथ सिंगल एलिमेंट, नेक्स्ट हमने टेंसर फ्लो के दो कॉन्स्टेंट को कंपेयर करके मिनिमम वैल्यू को प्राप्त किया, नेक्स्ट हमने टेंसर फ्लो टेंसर विथ स्केलर और एट द एंड में हमने टेंसर फ्लो के टू वेरिएबल को हमने कंपेरिजन करके हमने मिनिमम वैल्यू को हासिल किया, राइट। तो इस तरीके से हमने मिनिमम वैल्यू को प्राप्त किया आज के ट्यूटोरियल में। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, एकदम सिंपल है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फंक्शन को आपको जानना है टेंसर फ्लो के, तो आप टेंसर फ्लो ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी। और ये जो कोड आपको मैंने बताया है, ये कोड भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो, धन्यवाद।